इनिशियल सर्विस के हम प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करे थे और आज हम सॉल्व करेंगे आईएसएस 2016 स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 सेट ए क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। तो देखिए क्या है, व्हाट इज 1y स्क्वायर माइनस 4 9x स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए e जो है वो शिफ्ट ऑपरेटर है और हमें पता है डेल जो है वो फॉर डिफरेंस होता है और उनमें रिलेशन होता है क्या होता है, e इक्वल टू डेल प्लस 1। हम इसी चीज को यहाँ पे यूज करने वाले। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1y स्क्वायर माइनस 4 9x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 9 यहाँ पे हम e को डेल प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा देख लेते हैं हम, 1 by del plus 1 square minus 4। ठीक है, 9x square। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए। तो देखिए यहाँ इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा, यहाँ पे डेल स्क्वायर प्लस 2 del -3 क्यों, यहाँ पे अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो प्लस 1 मिलेगा और यहाँ पे माइनस 4 था तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 मिल गया। ठीक है, तो देखिए इससे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर हमने क्या किया -3 कॉमन लिया है तो देखिए -3 नीचे बैठ गया। तो देखिए -1 by -3 into 1 minus ये जो था इसके नीचे नीचे यहां पर -3 आ गया। तो देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं, यहां पे अगर हम एलसीएम करेंगे तो यहां पे 3 आ जाएगा और 3 माइनस हो जाएगा तो यहां पे भी 3 माइनस था और ये जो है ऊपर चला जाएगा तो यहां 3 कट जाएगा और माइनस से अगर हम इंटू करेंगे तो देखिए ये यहां पे माइनस हो जाएगा और बाकी जो है वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो यही मिल जाएगा हमें। अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/3। देखिए यहां पे 1/3 और यहां पे 9 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा -3। ठीक है, यहां हमने सिंप्लीफाई कर दिया और इसको हम लिख सकते हैं 1 del square plus 2 del by 3 minus 1 power minus 1 क्योंकि यहां पे नीचे था तो वो माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू fx। यहां पे fx क्या है, यहां पे fx इक्वल टू है x square। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसमें देखिए जो माइनस यहां पे देखिए पावर में माइनस 1 है, माइनस 1 से क्या होता है एक इंफिनिटी सीरीज आता है। इंफिनिटी सीरीज कैसे आता है देखिए, माइनस 3 यहां पे आ जाएगा, देखिए यहां पे माइनस है तो यहां पे पहले 1 प्लस यहां पे e जो है इसका पावर 1 होगा तो यहां पे वो आ जाएगा बाय 3। इसके बाद देखिए एक जो होगा नेक्स्ट जो होगा इसका पावर 2 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये लाइन को हम दोबारा समझा देते हैं, यहां पे जो पावर था वो पावर माइनस 1 था, यहां पे हमने 1 इसीलिए लिया क्योंकि वो आसान हो जाता है। अब देखिए यहां पे 1 बैठ गया, 1 प्लस ये जो होगा वो पावर 1 है तो यहां पे पावर 1 है, इसका पावर 2, इसका पावर 3, इसका ऐसे चलता रहेगा, वो इन्फिनिटी सीरीज है। देखिए ये जो fx है उसका डिग्री 2 ऑर्डर का है तो हमें पता है कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस r fx विल बी 0 फॉर r ग्रेटर देन 2। अगर 2 से बड़ा होगा, बड़ा कोई भी फॉरवर्ड डिफरेंस होगा तो वो 0 होगा, मतलब हमें सिर्फ वही फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पे काम आएगा जिनका डिग्री जो है वो 2 है, इसीलिए हम यहाँ पे सेकंड स्क्वायर तक काम आएगा, बाकी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखिए हमें 2 ऑर्डर से बड़ा कोई भी फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं चाहिए इसीलिए हमने यहाँ पे 2 ऑर्डर तक लिखा है। अभी देखिए यहाँ पे हमें 3 ऑर्डर का एक फॉरवर्ड डिफरेंस मिला और एक 4 ऑर्डर का मिला तो हमें वो टर्म भी नहीं चाहिए तो अब इसको भी हटा देंगे। ठीक है, हमें सिर्फ वही टर्म चाहिए जो 2 ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस तक है, क्यों, क्योंकि 2 ऑर्डर से अगर ज्यादा फॉरवर्ड डिफरेंस का है तो वो उसका वैल्यू 0 आएगा। तो देखिए हम इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए यहां पे -3 into 1 fx तो -3 तो यहां पे -3 fx हो जाएगा, यहां पे देखिए माइनस, यहां पे देखिए 3 और 3 कट जाएगा तो यहां पे देखिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे पहले डेल स्क्वायर के जो टर्म है हम उसको अलग कर लेंगे तो देखिए हम प्लस डेल स्क्वायर कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या मिलेगा हमें, यहां पे मिलेगा -1, क्यों, यहां पे -3 था और यहां पे 3 था तो वो कट जाएगा या तो यहां पे -1 मिलेगा। ठीक है, और देखिए यहां पे -3 है यहां पे 9 है तो वो भी कट जाएगा, वो कट के 3 रहेगा और यहां पे 4 है तो क्या मिलेगा हमें, यहां पे मिलेगा 4/3 और ये देखिए यहां पर माइनस है तो इसमें भी माइनस ही होगा। ठीक है, तो माइनस यहां पे fx। ठीक है, तो देखिए यहां पे डेल का सिर्फ एक ही टर्म है, यहां पर भी है, यहां पर कोई डेल नहीं है तो देखिए यहां पे क्या होगा डेल, देखिए वैसे लिखेंगे डेल, यहां पे -3 था यहां पे -3 कट जाएगा तो यहां पे हमें क्या मिलेगा -2 तो यहां पे हम लिखेंगे यहां पे हो जाएगा माइनस
टू डेल एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, टू डेल एफ एक्स, ठीक है। अभी देखिए इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एफ एक्स, और देखिए ये दोनों माइनस में है, तो यहां पे माइनस ये हो जाएगा सेवन बाय थ्री, ठीक है, डेल स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है, और माइनस टू, देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स है, फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स का मतलब होता है फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स, ठीक है, तो हम इसी को यहां पे लिख लेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस टू एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स, ठीक है। अभी देखिए उसको अगर हम और सिंपलीफाई करेंगे, तो देखिए यहां पे लिख सकते हैं माइनस थ्री एफ एक्स, ठीक है, माइनस सेवन बाय थ्री, देखिए यहां पे फॉरवर्ड डिफरेंस सेकंड ऑर्डर का है, तो इसको हम दोबारा इस फॉर्मूला से रिप्लेस करेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा शिफ्ट ऑपरेटर माइनस वन स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स हो जाएगा, और यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस टू एफ एक्स प्लस वन, और यहां पे माइनस है और यहां पे माइनस है, तो प्लस हो जाएगा प्लस टू एफ एक्स, ठीक है। देखिए हमारा बोर्ड बहुत छोटा है, तो हम इसी लाइन से दोबारा सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा लास्ट लाइन था, तो देखिए अभी हम यहां पे क्या लिखेंगे माइनस थ्री एफ एक्स, देखिए यहां पे एक यहां पे भी एक एफ एक्स है, यहां पे माइनस टू है, माइनस टू इंटू माइनस माइनस टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखिए यहां पे प्लस टू हो गया और यहां पे है थ्री, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें माइनस एफ एक्स मिलेगा, माइनस एफ एक्स माइनस सेवन बाय थ्री। अभी देखिए इसको हम फॉर्मूले में तोड़ेंगे क्या मिलेगा, ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन एफ एक्स, ठीक है, माइनस टू एफ एक्स प्लस वन, ठीक है। देखिए शिप ऑपरेटर का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है कि शिप ऑपरेटर एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच, यहां पे एच का वैल्यू यहां पे वन दिया वन है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे एफ एक्स प्लस वन, ठीक है। तो देखिए हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो देखा माइनस माइनस एफ एक्स माइनस सेवन बाय थ्री, यहां पे देखिए ई स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा एफ एक्स को करेंगे तो यहां पे हो जाएगा एफ एक्स प्लस टू, ठीक है, माइनस टू एफ एक्स प्लस वन, माइनस माइनस नहीं होगा यहां पे प्लस होगा, तो प्लस एफ एक्स, ठीक है, माइनस टू एफ एक्स प्लस वन, ठीक है। तो देखिए हम यहां पे काम को पहले सिंपलीफाई कर लेंगे, तो देखिए यहां पे x प्लस टू का एक ही टर्म है, तो यहां पे x प्लस टू का हम अलग कर लेते हैं, माइनस थ्री सेवन बाय थ्री एफ एक्स, एफ एक्स प्लस टू, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स प्लस वन के दो टर्म है, एक यहां पे है और एक यहां पे है, ठीक है, तो हम यहां पे लेते हैं प्लस। अब देखिए यहां पे एक क्या है सेवन बाय थ्री माइनस सेवन बाय थ्री इंटू टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा फोर्टीन बाय थ्री, ठीक है, फोर्टीन बाय थ्री, और यहां पे क्या है यहां पे माइनस टू, तो यहां पे माइनस टू एफ एक्स प्लस वन, ठीक है। और यहां पे देखिए यहां पे एक एफ एक्स का टर्म है और एक यहां पे एफ एक्स का टर्म है, तो देखिए यहां पे हम प्लस, यहां पे अगर एफ एक्स यहां पे हम क्या लेंगे यहां पे मिलेगा माइनस वन, ठीक है, और यहां पे हमें क्या मिलेगा माइनस माइनस सेवन बाय थ्री एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि हमने एफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था, तो देखिए अभी हम उसको लिख लेंगे, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा माइनस सेवन बाई थ्री एक्स प्लस टू स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे क्या मिलेगा हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एट बाई थ्री, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन स्क्वायर, और इसको हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा टेन बाई थ्री एक्स स्क्वायर। अब यह इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा सेवन बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ठीक है, यहां पे हो जाएगा एट बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और यहां पे माइनस टेन बाय थ्री एक्स स्क्वायर। देखिए अभी हमारे पास सब अलग अलग मिल गया, देखिए आपको ऐसे सिंपलीफाई करने जाएंगे तो वो डिफिकल्ट होगा, तो हम कैसे करेंगे हम कोफिशियंट वाइज देखेंगे, तो देखिए यहां पे हम एक्स एक्स कोफिशियंट ऐड करेंगे एक्स की वैल्यू वन और एक्स की वैल्यू जीरो, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है माइनस सेवन बाई थ्री है, ठीक है। अभी यहां पे देखिए यहां पे माइनस है यहां पे फोर है, तो यहां पे माइनस सेवन बाई थ्री
इंटू फोर करेंगे हम तो हमको मिलेगा माइनस 28 बाई थ्री, ठीक है, और यहां पर भी होगा 28 बाई थ्री, ठीक है, हमने से कोएफिशिएंट लिखे। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है 8 बाय थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 8 बाय थ्री, ठीक है, एक्स स्क्वायर का, यहां पे हो जाएगा 16 बाय थ्री, ठीक है, और यहां पे होगा 8 बाय थ्री, और यहां पे लास्ट टर्म क्या है माइनस 10 बाय थ्री, ठीक है, बाकी दोनों जीरो, तो आपके लिए वो कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए हमने पे कैलकुलेट करके यहां पे लिख दिया, तो माइनस थ्री मिला, माइनस फोर और 20 बाय थ्री, तो देखिए ये जो है वो आंसर थ्री है, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस थ्री है, एक्स का कोफिशिएंट फोर है, और कांस्टेंट जाम में वो 20 बाय थ्री है, तो जो आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज याद रखना पड़ा, पहला जो याद रखना पड़ा कि वो जो माइनस वन, माइनस अगर ए प्लस बी माइनस वन का फॉर्मूला में याद रखना पड़ा, और हमें क्या याद रखना पड़ा, वो इन्फिनिटी सीरीज है, तो आपको हमेशा वो याद रखना पड़ेगा कि फॉर डिफरेंस, अगर जो पॉलिनोमियल का डिग्री है, यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिग्री 2 था, इसीलिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस 2 ऑर्डर के जो ज्यादा बड़ा है, मतलब 3 4 इन्फिनिटी रखते हैं, उसको हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ 2 ऑर्डर तक ही काम में लाएंगे, ठीक है। और हमें एक चीज रिलेशन का काम आया, वो है शिप ऑपरेटर इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस 1, ठीक है, बाकी जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप स्टेप बाय स्टेप धीरे से करेंगे तो आपको आराम से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया और क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप कमेंट से पूछ सकते हैं, हम आपकी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको आईएसएस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप वो भी कमेंट से कर सकते हैं, हम आपकी आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।